हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी 2017 को, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वॉज। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? ए है गिर, बी टाइगर, सी राइनो एंड डी हंगुल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टाइगर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नीति आयोग स्टार्टेड। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 2015, जून 2015, सी है जनवरी 2016, अगस्त 2015। सो ये सब ऑप्शंस नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ए। आप याद रखिएगा कि नीति आयोग का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पौनर आश्रम। पौनर आश्रम के संस्थापक कौन थे? बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे, अन्ना हजारे। सो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है विनोबा भावे, ऑप्शन सी। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी। सो जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, सी। जापान पार्लियामेंट इज कॉल्ड, जापान संसद को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डाइट। जापान के संसद को हम डाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, रियाल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। रियाल किस देश की मुद्रा है? रोमानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, अंगोला। सो याद रखिएगा सऊदी अरब जो है उसकी करेंसी रियाल है। द कलर ऑफ द व्हील इन द इंडियन फ्लैग इज। भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या होता है? ब्लू, रेड, सैफ्रन, ब्लैक। नीला, लाल, केसर, काला। सो चक्र का जो कलर है वो होता है ब्लू, यानी नीला। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। हु ट्रांसलेटेड वंदे मातरम इन टू इंग्लिश। वंदे मातरम को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? सो याद रखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष ने वंदे मातरम को इंग्लिश में अनुवाद किया था। फर्स्ट चैत्र यूजुअली फॉल्स ऑन विच डे। फर्स्ट चैत्र जो है, पहला जो चैत्र है वो प्रायः पड़ता है किस दिन? तो आप याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है 22 मार्च, डी ऑप्शन। सत्यमेव जयते, अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है मुंडको उपनिषद। गीता से नहीं लिया गया, रामायण से नहीं, मनुष्य, तो राइट आंसर ये है मुंडक उपनिषद। और ये कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, मतलब इस तरह का रिपीटेड क्वेश्चन आपको एसएससी एग्ज़ाम्स में मिल जाता है, कई बार रेलवे में भी पूछा गया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर 2016, पेपर कब हुआ था? 2017 में, यानी एक साल पहले का करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया है, मार्च 2016 का। तो कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप देते हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम, बिहार एसएससी या कोई भी हो, तो उसके लिए आपको कम से कम आपको एक ईयर का तो करेंट अफेयर अच्छे से कर लेना चाहिए। जो भी बुक आप पढ़ते हैं करेंट अफेयर्स के लिए, स्पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, या जो भी किताब आप पढ़ते हैं उनसे आप कर सकते हैं, वीडियो से भी। तो इसमें 2016 में क्वेश्चन ये है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस वाज ट्रायल रन बिटवीन दिल्ली एंड द फॉलोइंग सिटी। मींस 2016 में गतिमान एक्सप्रेस जो ट्रेन था उसका ट्रायल में चलाया गया था, दिल्ली और किस शहर के बीच में चलाया गया था? तो याद रखिएगा दिल्ली और आगरा के बीच में गतिमान एक्सप्रेस जो ट्रेन थे उसे ट्रायल में चलाया गया था। द मेन ट्राइब फाउंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो मेन ट्राइब है उसका नाम होता है इरुला। जारवार ट्राइब इज फाउंड हियर। जारवार ट्राइब कहाँ पे है? बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, आंडमान। तो जारवार ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? आंडमान में। द ऑथर ऑफ आनंद मठ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रिपीटेड है। आनंद मठ किसने लिखा है? लेखक कौन है? तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद, शरद चंद्र टैगोर। सो 14th का जो राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ लिखा गया है बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा। हु रॉट द ऑडेसिटी ऑफ होप। ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? किसने लिखा ऑडेसिटी ऑफ? तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है ऑडेसिटी ऑफ होप, सी। वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्रीविएशन ए डी। ए डी का मतलब क्या होता है? ऑफ जीसस आफ्टर डेथ, एनो डोमिनी, एज डार्क,
आफ्टर डोरिंस, तो एडी आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, एडी क्या होता है, एनो डोमिनी यानी बी हो जाएगा, और बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का जो समय, उसे जो बीसी लिखा रहता है, जैसे आप पढ़ते हैं ना 1200 बीसी, 1300 ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज मैटियास डे सेलिब्रेटेड, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस हम मनाते हैं। ये भी ये रिपीटेड क्वेश्चन सब है, तो ये सिंपल है, आप याद कर लीजिएगा। द फियर ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू योर मोबाइल फ़ोन, लूजिंग एक्सेस इज कॉल्ड, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच, ना होने, एक्सेस खोने का डर कहलाता है। तो देखिए, किसी का मोबाइल फ़ोन है और वो अपने फ़ोन को ही नहीं चला पा रहा है, एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसे लॉगिन नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, सपोज़ लॉक हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, तो उसका डर है उसे कि हमारा मोबाइल में ही उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है नोमोफोबिया। द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है, रेलवे में पूछा गया था। द फर्स्ट फिल्म डायरेक्टर बाई सत्यजीत रे के द्वारा पहली फिल्म निर्देशित, तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी, अपराजितो, एडिक्वेस्ट, चारुलता, पाथेर पंचाली, तो पाथेर पंचाली इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार, सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी कोलकाता। तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया, और अगला जो वीडियो होगा उसमें क्या होगा कि बाकी क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।